तो हरे कृष्ण एवरीवन, कैसे हो आप सब। और जस्ट अभी 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 देख कर ही निकले हैं शैतान मूवी, और जितनी तारीफ करूँ ना इस मूवी की कम है। और मैं आप सब से, जितने भी मेरे रीवा के दोस्त हैं, भाई हैं, लड़कियां हैं, वो सब रॉयल सिनेमा आए और पहले ये मूवी देखी। बहुत ज़बरदस्त मूवी है, शुरुआत में ही आपका टेंशन ग्रेस्प कर लेगी और आपको मज़ा आने लगेगा। तो इस मूवी के बारे में बहुत कुछ बताने का मन कर रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप रॉयल सिनेमा कर ही ये मूवी देखें। अब बात करते हैं मूवी और उसकी हाईलाइट्स बिना स्पॉयलर्स के। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही बीजीएम बहुत तगड़ा बजता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। जैसे मूवी स्टार्ट होती है, एक फैमिली ड्रामा से मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ अजय देवगन अपनी फैमिली को घुमाने ले जाते हैं अपने फार्म हाउस पर। यहाँ बीच रास्ते में एक ढाबे में उनकी मुलाकात आर माधवन से होती है एंड सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। जैसे ही आर माधवन की एंट्री होती है ना भाई साहब, सब चेंज। मूवी जहाँ शुरुआत में हंसती खेलती रहती है, हमको अच्छा दिखाया जाता है अजय देवगन की फैमिली के बारे में, वैसे ही उसके बाद सब चेंज, सारी खुशियां दुख में बदल जाते हैं। दूसरी चीज जो इस मूवी की मेन हाईलाइट के बारे में बात करता हूँ, जो इस मूवी की जान है, जो इस मूवी का दिल है, जो इस मूवी की जान है, वो है आर माधवन और उनकी प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग। बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो इस मूवी की टॉप नॉच है, वो है इस लड़की, वो है इस लड़की की एक्टिंग। भाई जबरदस्त एक्टिंग की है इस बंदी ने, क्योंकि इस बंदी ने जितनी भी बार उसकी बात मानी है ना आर माधवन की, वो उस चीज़ को जो आर माधवन बोल रहे थे वो इतने अच्छे से डिलीवर कर रही थी, वो इतने अच्छे से उनकी बात मान रही थी कि देखकर मज़ा आ रहा था। और वहीं आर माधवन की एक्टिंग कमाल की थी भाई साहब, उसकी एक्टिंग टॉप नॉच थी। तीसरी चीज़, अजय देवगन के इमोशंस और हीरोइन के इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जिस तरीके से फैमिली, जिस तरीके से पेरेंटिंग इमोशनल था, वो बहुत अच्छे से दिख रहा था। दूसरी चीज़, जो इमोशंस थे वो बहुत अच्छे शोकेस हो रहे थे। तीसरी चीज़, जो एक्टिंग है, जितने भी कैरेक्टर है ना, सबकी एक्टिंग टॉप नॉच है। मज़ा आएगा, कहीं पास भी बोरियत नहीं फील होगी। शुरुआत के ही 10 मिनट में ये मूवी आपका ध्यान ले लेगी और आपको बोर का बी तक फील नहीं होगा, आपको गारंटी ले लो। और इस मूवी की बीजीएम ना इतने क्रिस्प हैं, इतने अच्छे हैं, इतने लाउडर हैं, सुन के मज़ा आ जाता है। मैं आर माधवन की एक्टिंग की तारीफ करते करते नहीं थकूँगा, क्योंकि भाई ने दिल जीत लिया, दिल क्या गुर्दा फेफड़ा सब चीज लिया। मूवी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड मूवी है और देखने पर मज़ा आता है। कहीं पास भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ओवर हो रहा है, कहीं पास भी खिंची नहीं लगती कि लगे कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, नहीं। और देख कर अच्छा लगता है उस मूवी को। और जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो आपकी कि टाइम और पैसा, यस इट इज़ वैल्यूएबल, और वो आपको महसूस नहीं होगा। इट्स मीन आपके पैसे और आपके टाइम की वैल्यू रखी जाएगी, ये मूवी आपके पैसे और आपके टाइम की वैल्यू रखेगी। आपको बोर नहीं फील होगा, आपको बेकार फील नहीं होगा। एक फैमिली ड्रामा मूवी है, आप आकर देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। कम रॉयल सिनेमा एंड वॉच दिस मूवी, इज़ ब्लो योर माइंड। कुछ नया देखो, मज़ा आ जाएगा। और थिएटर का एक्सपीरियंस लेना है तो प्लीज़ कम रॉयल सिनेमा, ये सिनेमा आपको वो सारे खुशी देगा और ये मूवी उस खुशी को 4 चांद लगा देगी। तो प्लीज़ कम रॉयल सिनेमा एंड वॉच दिस मूवी। एंड यहीं करते वीडियो को, कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।